नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के पहले और सबसे घातक हथियार काली 5000 को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और किस प्रकार से डीआरडीओ के द्वारा काली को बनाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, साथ ही कब तक यह बनकर तैयार हो जाएगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जून 2021 में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके तहत इंडियन नेवी को नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर बनाकर प्रदान करना है और दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है P-18 और इसके तहत भारत सरकार लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, जिसके चलते भारत को लगभग 6 की संख्या में नए और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यह डिस्ट्रॉयर भारत के विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से लगभग 2 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे और इनका जो वजन है वो लगभग 13,000 टन होने वाला है और भारत पहला डिस्ट्रॉयर 2026 में बनाना स्टार्ट करेगा और 2032 में यह डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। और दोस्तों, अब आप सभी कहेंगे कि काली के बारे में इसमें जानकारी क्या मिली। तो दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा इसी प्रोजेक्ट P-18 के लिए एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाया जा रहा है और दोस्तों, यह जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन होगा वो इसी डिस्ट्रॉयर से पल लगेगा जो कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट और इसके साथ ही उनकी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए काम आएगा। परंतु यह जो वेपन होने वाला है वो 50 किलोवाट की एनर्जी से चलेगा, यानी यह काली 5000 की तुलना में थोड़ा कम ताकतवर होगा। परंतु 2035 के पश्चात डीआरडीओ इस वेपन को काली के 5000 वाले वेरिएंट से रिप्लेस करेगा, जिसके पश्चात इस वेपन को भारत के कई सारे अटैकिंग फाइटर जेट और इसके अलावा डिस्ट्रॉयर में शामिल किया जाएगा, जिससे यह दुश्मन के फाइटर जेट किसी भी मिसाइल को आसानी से टारगेट बना सकता है। और दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में अभी और ज्यादा स्पेसिफिकेशन तो निकल के सामने नहीं आए हैं, परंतु डीआरडीओ ने इतना अवश्य कहा है कि डिस्ट्रॉयर शिप के लिए एक स्पेशल डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाया जा रहा है जो कि स्पेशली तौर पर काली 5000 का एक छोटा भाई होगा। बाकी आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को जल्द से जल्द काली 5000 को बनाकर अपने हथियारों के बेड़े में शामिल करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में भी राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।